गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम कक्षा 8, वैसे ये सभी क्लासों में कॉमन टॉपिक है, सिलेबस में कक्षा 8 के साइंस में है तारे एवं सौर परिवार, लेकिन एसएस में लगभग सभी क्लासों में 6 से लेकर 10 तक यूज होता है, और जो जीके है इसी के अंदर बहुत सारी पूछी जाती है, और प्रत्येक बच्चे को इसका नॉलेज होना चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी है सौर परिवार एवं तारे एवं सौर परिवार के बारे में, इसलिए सभी को ये करवाया जाएगा टॉपिक, चाहे उनके सिलेबस में हो या ना हो। क्वेश्चन सिर्फ उनको दिए जाएंगे कक्षा 8 को, वो बाद में कल नहीं परसों देंगे, बाकी को सिर्फ ये वीडियो देखनी है और इसके बारे में जानकारी लेनी है। चलो आओ हम करते हैं। सौर परिवार और उनके ग्रह, सौर परिवार में कितने ग्रह? सौर परिवार में 8 ग्रह, ये चीज़ भी पूछी जाती है कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है? 8 ग्रह। और सौर परिवार बनता किससे है? सूर्य, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं, जो 8 ग्रह वो परिक्रमा करते हैं, और कुछ उपग्रह भी इसकी, इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, इसके साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये हमारे 8 ग्रह हैं जो हमारे सौर परिवार में है, और ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनमें से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल का नंबर आता है, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। तारों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं सौर परिवार के बारे में डिटेल से। सौर परिवार सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड है, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, इनके बारे में आपको बताएंगे बारी बारी से। क्या कह रहा है? सौर परिवार जो सूर्य के, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड है उनसे क्या बनता है? सौर परिवार। इसमें क्या क्या आते हैं? ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्काएं आती है, इनके बारे में बाद में करेंगे बात। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पिंड का मतलब जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य इनको अपनी ओर खींचता रहता है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं चारों ओर। जैसा आप जानते हैं पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, सभी को पता है ये। ये सौर परिवार का एक सदस्य है, जो धरती है, पृथ्वी है, जिस पर हमारा हम रहते हैं, हम जीवन यापन करते हैं, वो ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है, ये भी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये सौर परिवार का एक सदस्य है, ये एक ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी इसके अनुसार क्रम में इस प्रकार है। क्रम में दूरी जो आपको ये डायग्राम बनाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बना लेना और इसको आप थोड़ा याद कर लेना, ये भी नंबर वाइज है। इसी तरह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, यानी इसकी दूरी के हिसाब से है। पहला बुध सबसे नज़दीक है, उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, इसके बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, लास्ट में नेपच्यून सबसे दूर है। अब करते हैं इन सौर परिवार के सदस्यों के बारे में बारी बारी से। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के, सूर्य जो इसका सदस्य है, जो इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य हमेशा निकटतम तारा है, सूर्य क्या है? एक तारा है, सूर्य एक तारा ही है जो धरती के बहुत ज्यादा नजदीक है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं, सूर्य से बहुत बड़े बड़े तारे हैं जो हमारे इस जो आकाशगंगा है उसके अंदर, लेकिन उसका कारण क्या है? सूर्य नजदीक होने के कारण इतनी गर्मी देता है, ऊर्जा देता है और इतना बड़ा दिखाई देता है। बाकी तारे हमारे से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं और उनका प्रकाश, इतना चमकीला प्रकाश हमारी धरती पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। सूर्य
नजदीकी के कारण इसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। सूर्य भी एक तारा है। यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश उत्सर्जित करता है यानी छोड़ता रहता है, पता ही है आपको। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है, सूर्य से बहुत सारी ऊर्जा मिलती है हमें। वास्तव में सभी घरों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य ही है। सभी घरों को जो ऊष्मा देता है कौन देता है? सूर्य देता है। सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है। अब बात करते हैं ग्रहों की, जो आठ ग्रह हैं हमारे सौर परिवार में। सबसे पहले ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं, परंतु ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। इन ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश की सहायता से चमकते हैं। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों को में भेद कर सकते हो? ग्रहों तथा तारों में अंतर करने के लिए सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है, इस पथ को कक्षा कहते हैं। निश्चित पथ की बात करें, जैसे बुध है, बुध का अलग पथ है, ये इतनी ही दूरी पर रहेगा सूर्य से। शुक्र है, ये भी समान दूरी रहेगी हमेशा ही इससे। और ये क्या है, इनकी कक्षा पृथ्वी। अगर ये आगे पीछे होते, कोई नज़दीक आता कोई दूर आता, तो ये आपस में टकरा जाते तो क्या होता, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता। ये अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, इतनी ही दूरी पर रहते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगे समय को उसका परिक्रमण काल कहते हैं। ये कह रहा है किसी भी ग्रह द्वारा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो उसका परिक्रमण काल होता है, यानी परिक्रमा करने में लगा समय होता है। ग्रहों की सूर्य से दूरी बढ़ाने पर उनके परिक्रमण काल में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी सूर्य से, नेप्ट्यून है जो लास्ट का है, ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, टाइम लेगा, और बुध है वो जल्दी चक्कर लगा देगा, क्योंकि ये नजदीक है, इनको इसको थोड़ी दूरी तय करनी पड़ती है। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने एक्स पर भी गति करते हैं। ये अपने एक्स पर भी घूमते रहते हैं। जैसे पृथ्वी की बात आती है, एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और एक अपने एक्स का मतलब क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब तो ये है, और एक्स का मतलब है ऐसे भी घूमती रहती है साथ में। एक्स का मतलब यही घूमती रहती है गोल, ऐसे घूमती घूमती ये आगे भी चलती जाएगी इस प्रकार। एक घूर्ण पूरा करने में लगे समय को उसका घूर्ण काल कहते हैं। कुछ ग्रहों में ज्ञात उपग्रह है जो उनकी परिक्रमा करते हैं। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे कोई खगोलीय पिंड का मतलब हो गया ग्रह, ग्रह की जो परिक्रमा करता है, ग्रह के चारों ओर जो घूमता है वो क्या है, उपग्रह। जो हमारा जो पृथ्वी है इसका एकमात्र प्राकृतिक शब्द से आप समझो, जो प्रकृति से अपने आप बना है। एक होता है कृत्रिम, जिसे मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, मैन मेड होता है, और जो प्राकृतिक है वो अपने आप बड़ा होता है। वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, नोट करते जाना साथ साथ। पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यद्यपि सामान्यतः हम सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं, जो मानव निर्मित हो, मैन मेड हो, वो क्या कहलाता है, कृत्रिम उपग्रह। ये भी पूछा जाता है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है,
आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975 में। याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है भारत का कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था 1975 में। अब बात करते हैं सबसे पहले सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध की। बुध ग्रह सूर्य का निकटतम ग्रह है, सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है सूर्य का, बुध ग्रह। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह यानी सबसे छोटा ग्रह। एक तो सबसे नजदीक है, दूसरा ये सबसे छोटा ग्रह है। इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके में, जो ये चीजें मैं बता रहा हूं आप नोट करते जाना कि ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का सबसे सूर्य से सबसे सॉरी सौर परिवार का सबसे नजदीक सूर्य के नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। यह हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है यानी सबसे छोटा ग्रह, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है यानी बहुत ही नजदीक है। अतः अधिकांश समय तक सूर्य को चकाचौंध में छिपा रहने के कारण प्रक्षेपण करना अत्यंत कठिन है, तथापि सूर्य से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः वही दिखाई देता है जहां वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने की कोई बाधा नहीं आती हो। बुध का कोई अपना उपग्रह नहीं है, बुध का क्या है, कोई भी उपग्रह नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र की। ग्रहों में शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह यानी दूसरे नंबर पर बात आती है शुक्र की। सबसे नजदीक ग्रह दूसरे नंबर पर कौन सा है, शुक्र। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। यह भी जीके का क्वेश्चन है कि हमारे सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात ये पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है, इसलिए इसे प्रभात तारा या संध्या तारा कहते हैं। यद्यपि ये तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसकी अपनी अक्ष पर घूर्ण गति कुछ असाधारण है। ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्ण करता है जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। पृथ्वी कहाँ करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये कहाँ करता है, पूर्व से पश्चिम, और पृथ्वी करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पृथ्वी हम जहां रह रहे हैं उसके बारे में। पृथ्वी ही सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है, यानी जहां जो पृथ्वी है सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन यापन करना संभव है, जहां पर लोग रहते हैं, जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन विद्वान होने तथा उसके निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायी है। इनमें पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है ताकि पृथ्वी सही ताप परिसर जल की स्थिति उपयुक्त वायुमंडल और ओजोन का आवरण बना रह सके। पृथ्वी पर जीवन यापन होने का कारण क्या है, यह है इसकी दूरी सूर्य से निश्चित है, उचित है, न तो ज़्यादा है ना कम है। यहाँ तापमान वगैरह सही आता है, ओजोन परत का प्रभाव सही होता है, वायुमंडल का प्रभाव सही पड़ता है, इसलिए यहाँ जीवन यापन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश में परिवर्तित होने के कारण नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्ण अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है, इसका अपने अक्ष पर झुकाव है। पृथ्वी को ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व है। पृथ्वी केवल एक ही उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा। इससे पहले बुध और शुक्र की बात आई थी, कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, चौथे नंबर पर जो अपना ग्रह है।
अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, यानी पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है, वह मंगल है। ये हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह, मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है। ये बोला जाता है लाल ग्रह, कौन से ग्रह को बोला जाता है, तो याद रखना मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। ये जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। और मंगल के कितने उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह दो है, पृथ्वी के एक है, इन दोनों के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और चमकीला ग्रह पूछा जाए तो कौन सा आएगा, शुक्र। लाल ग्रह पूछा जाए तो मंगल, याद रखना। चमकीले ग्रह की बात हो तो शुक्र आएगा, लाल ग्रह की बात हो तो मंगल आएगा, और शनि पर भी कुछ होगा, बताएंगे आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्रह बृहस्पति की। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखना। यह पूछा जाए कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है। इतना बड़ा ग्रह है जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, अगर 1300 इसके अंदर रखें तो रख सकते हैं, यानी 1300 गुना बड़ा है हमारी धरती से। सोचो कितना बड़ा हो गया, ये हमारी पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है बृहस्पति, जो सबसे बड़ा ग्रह है। परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के लगभग 1318 गुना है। ये अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्ण करता है, अपने अक्ष पर स्पीड इनकी इसकी क्या है, तेज है। पर बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह है, इसके चारों ओर धुंधले बल्ले भी है। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो इसके चार बड़े चंद्रमा भी देख सकते हो। क्या बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह, मंगल के दो है, पृथ्वी के एक है, बृहस्पति के बहुत सारे हैं, शुक्र और बुध के है नहीं। अब बात करते हैं शनि नेक्स्ट ग्रह की। बृहस्पति के परे शनि जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है, इस ग्रह के रमणीय बल्ले इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। इसके चारों ओर क्या है, बल्ले, ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये बल्ले नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, आप छोटे दूरदर्शक यानी दूरदर्शी द्वारा इसका प्रेक्षण यानी कर सकते हो, देख सकते हो। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह है, शनि के भी क्या है, बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह है। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम संघन, इसका गंतव्य जल के गंतव्य से भी कम है, यानी इसका गंतव्य बहुत ही कम है। अब बात करते हैं यूरेनस और नेपट्यून, जो लास्ट में दो बच गए हैं। ये सौर परिवार का भाईतम ग्रह है, इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों यानी दूरदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पृथ्वी की पश्चिम दिशा में घूर्ण करता है। इसकी विलक्षण विशेषता, इसका अत्यधिक झुका घूर्ण अक्ष है, यानी काफी झुका हुआ इसका अक्ष है। इसे परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। जो ये अपने यूरेनस और नेपट्यून की बात हो रही है, जो अपने अक्ष पर गति करता है तो ये लुढ़कता यानी टेढ़ापन दिखाई देता है इसका। सौर परिवार के प्रथम चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल अन्य चार ग्रहों की तुलना में सूर्य से अत्यंत निकट है। ये क्या है, बुध, शुक्र और पृथ्वी, मंगल बाकी इन चारों के मुकाबले बहुत ज्यादा निकट है। इन्हें आंतरिक ग्रह बोला जाता है। इन चारों ग्रहों को क्या बोला जाता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा में से बाहर है,
जैसे बृहस्पति शनि यूरेनस नेपट्यून, ये बार के चारों ग्रहों की बात हो रही है, ये उनकी तुलना में दूर है, इन्हें बाह्य ग्रह बोला जाता है। इन चारों ग्रहों को बाह्य ग्रह बोला जाता है, इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह बोला जाता है। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं, इनके चंद्रमा ज्यादा होते हैं। सौर परिवार के अन्य सदस्य भी है, उनकी बात करते हैं। अब ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी है, ये सौर परिवार के सदस्य है। इनमें से कुछ विषय में जानकारी प्राप्त करें। शुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। मंगल और बृहस्पति की बात हो रही है, मंगल और बृहस्पति की, इनकी कक्षाओं के बीच ये जो अंतराल है, ये किससे भरा होता है? शुद्र ग्रह से। यहां क्या होते हैं? शुद्र ग्रह होते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में काफी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों से घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इन्हें शुद्र ग्रह कहते हैं। यहाँ बहुत से शुद्र ग्रह होते हैं, कक्षाओं में केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं धूमकेतु की। किसकी? धूमकेतु के बारे में आपने सुना होगा। क्या होता है ये धूमकेतु? धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार का ही सदस्य है। ये अत्यंत प्रबलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर, लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आ जाता है तो इसकी पूंछ का आकार बढ़ जाता है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात है जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। एलेका धूमकेतु एक ऐसा धूमकेतु है जो लगभग 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। आप बता सकते हो कि अगली बार कब दिखाई देगा? यानी इसके अंदर 76 साल ऐड करने हैं आपको, तो ये कब दिखाई देगा? 2082 में। सॉरी 2062 में, इसमें 76 साल ऐड करोगे। क्या है? हेलेका नामक, याद रखना है, एलेका नामक धूमकेतु है, वो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। एलेका नामक धूमकेतु कब दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद, जो पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। क्या था? 1986 में। ये क्वेश्चन, इसके बारे में बहुत बार जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना। एलेका नामक धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पिछली बार 1986 में दिया, तो इसमें 76 ऐड करोगे, अब कब दिखाई देगा? 2062 में एलेका नामक धूमकेतु दिखाई देगा। पिछली बार 1986 में दिया था, और इनका जो बीच का गैप होता है वो 76 वर्ष का होता है। उल्का एवं उल्का पिंड, रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तो चंद्रमा भी न दिखाई दे रहा हो, तो आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली छोटी सी देख सकते हो। इसे शूटिंग स्टार या टूटता तारा भी कहते हैं। हम कहते हैं ना तारा टूट गया, वो क्या होता है? उल्का पिंड टूटते हैं। उल्का पिंड आपस में टकराते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं, ये यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, उस समय इसकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही बाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश का चमकीली धारा अति अल्प समय के लिए दृष्टिगोचर होती है। वो क्या होते हैं? उल्का पिंड। कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः बाष्पित होने से पूर्व ही पृथ्वी पर पहुंच जाती है। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है वह उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जो सौर परिवार बनाए। अब बात करते हैं कृत्रिम उपग्रह। आपने यह सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं,
आप यह जानना चाहोगे कि कृत्रिम उपग्रह प्रकृति उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न है। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं, यानी मनुष्य अपने एलप के लिए बनाता है। इनका प्रमोचन पृथ्वी से किया गया है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, यानी चारों ओर घूमते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण किया है। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ये पूछा जाता है भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। भूल मत जाना, याद रखना, कौन सा है? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया था? सन 1975 में। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट, आईआरएस, कल्पना वन, एजुसेट, जो शिक्षा संबंधी छोड़ा गया है। कृत्रिम उपग्रहों में बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग है। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो, टेलीविजन संकेतों का प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। उपग्रह अलग अलग पर्पज के लिए छोड़े जाते हैं। उपग्रहों में क्या होता है, कोई तो मौसम संबंधी जानकारी के लिए ऊपर विस्तार छोड़ दिए जाते हैं, उससे क्या है, हमें मौसम की सटीक जानकारियाँ मिलती है। एजुसेट है, वो शिक्षा संबंधी जानकारी के लिए, उनमें शिक्षा के लिए प्रसार होता है, स्कूलों में उसको यूज किया जाता है, शिक्षा प्रणाली में के लिए है एजुसेट। और अलग अलग पर्पज है अलग अलग उपग्रहों का, कृत्रिम उपग्रहों का। अब इसमें रह गया, बात करते हैं तारों की। सौर परिवार के सदस्य कंप्लीट हो चुके हैं। रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात में आकाश में सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारे एक जैसे हैं? कोई बड़ा तारा है, कोई छोटा है, कोई कम चमकीला है, कोई ज़्यादा चमकीला है। इसका कारण क्या है? ये हमारी धरती से, पृथ्वी से बहुत ज़्यादा उनकी दूरी अलग अलग है। किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है। जो नज़दीक तारा है वो ज़्यादा चमकता है, जो दूर तारा है वो कम चमकता है। अब बात करते हैं तारामंडल। कुछ तारों का समूह होता है, उससे तारामंडल बोला जाता है। कुछ ज्ञात हमारे जो तारामंडल है उनका नाम आपको बता देते हैं। ग्रेट बियर, ओरियन, कैसियोपिया, लियो मेजर, ये हमारे क्या है, तारामंडल है। सप्तऋषि भी आता है, सात ऋषियों का यानी सात तारों का समूह बोला जाता है। ये था हमारा सौर परिवार। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका परिक्रमण काल अलग अलग होता है। इसमें पूछा जा सकता है सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। दूर ग्रह कौन सा है? नेपट्यून। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। लाल ग्रह पूछा जा सकता है, मंगल। बल्ले वाला ग्रह शनि। चमकीला ग्रह भी पूछा जा सकता है। पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम भी पूछा जा सकता है, क्या है? चंद्रमा। मंगल के उपग्रह पूछे जा सकते हैं, कितने हैं? दो। पृथ्वी का एक, बृहस्पति और शनि के बहुत सारे उपग्रह हैं। और धूमकेतु के बारे में भी पूछा जाता है। हेलिका नामक धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, ये पूछा जाता है अगली बार कब दिखाई देगा? 2062 में। और जो हमारे कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं, तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट।
कब दिखा कब उसको बनाया गया था, 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन।